उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबके सामने आ गई हैं। योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद अब सहारनपुर पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों की हालत ऐसी है कि थाने में लाए जाने पर लाइन लगाकर हवालात में घुसाया जा रहा है। जून की चिलचिलाती धूप में बिन पंखे हवालात की रात कटाई जा रही है। शुक्रवार को यूपी के शहरों में हुई हिंसा के बाद सहारनपुर के एसएसपी ने यह कह दिया है कि आरोपियों पर गैंगस्टर लगाकर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई कि जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। सहारनपुर की घटना के बाद उपद्रवियों की पहचान का हर रास्ता अपना लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार शाम से जो एक्शन शुरू किया है उसकी वानगी दिखने भी लगी है। इस बीच सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कानपुर के जेसीबी एक्शन की एक तस्वीर पोस्ट करके लिखा, शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है। सरकार के इस संदेश का असर भी दिखने लगा है। जेल में ठूसे उपद्रवियों की कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, बातचीत, बयान, घर, मकान, सब कुछ पुलिस के रेडार पर है। सहारनपुर के कप्तान ने साफ कहा है कि जो भी पत्थरबाजी में शामिल थे बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी में हिंसा की खबरों के बाद लोगों ने सीएम योगी का वो भाषण याद करना शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है वो 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी, उन्हें मई जून में शिमला बनाना आता है। गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। लोगों ने योगी को यह भाषण याद दिलाते हुए कहा है कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर यह मांग उठी है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन हो, गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, उपद्रव करने वालों पर ऐसी कार्रवाई हो कि ये नजीर बने और कोई भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।